हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्लस टू का फिजिक्स, और जिसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम टोटल डिस्कस करेंगे, जितने भी हमारे टॉपिक एनसीईआरटी के बुक में है वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए बोर्ड पर हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैटर एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। नंबर वन इज द इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो इसमें हम करते क्या है बच्चों, हमें ये करना होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज किस पोजीशन में होना चाहिए, वो रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। तो इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर इट इज कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि चार्ज हमारा इसमें क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में होता है। तो द चार्जेस एट रेस्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन टू इंसुलेटिंग बॉडी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो इंसुलेटिंग बॉडीज हैं और जब हम इनको आपस में फ्रिक्शन देते हैं, यानी कि दोनों को रब करते हैं, तो जब हम दो बॉडीज को, जो कि इंसुलेटिंग बॉडीज होती हैं, उनको जब आपस में रब करेंगे, तो रब करने से एक हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जो उससे प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब होता क्या है कि क्योंकि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया, और स्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि रेस्ट में। तो चार्ज किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सिल्क, अगर हम किसी ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ या उसके धागे के साथ में रब करें, तो वो जो ग्लास रोड है दैट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ए स्मॉल बीड्स ऑफ पेपर, लीव्स, डस्ट पार्टिकल्स और जितने भी हैं वो उसकी तरफ आने लगते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि द रोड इज सेट टू बी इलेक्ट्रीफाइड। हम कब कहेंगे इलेक्ट्रीफाइड हो गई, कि जब उसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा। जैसे हमें पता है कि कॉम्ब इज इलेक्ट्रीफाइड, अब हमारे पास एक सपोज ये कॉम्ब है, कंघा है हमारे पास, उसको यदि हम अपने ड्राई हेयर में रब करें, और रब करने के बाद एक छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उसके पास लेके आए, यानी कि हम कह सकते हैं छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को हम तोड़ के एक मेज पर रखें, और जो कॉम्ब है अगर हम उसके पास लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, उस कॉम्ब के जो पॉइंट हैं, यानी कि जो नैरो पॉइंट है, उनकी तरफ वो स्मॉल बीड्स ऑफ पेपर, दे विल अट्रैक्टेड, वो उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। मान लीजिए छोटे छोटे पीस यहां पर रखे हुए हैं, तो दे विल अटैच विद दिस, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे। इसलिए हम कहेंगे जो कॉम्ब है वो हमारा क्या हो गया है, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक है, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हुआ क्या है, क्या हमने सीखने की कोशिश की है स्टूडेंट, हमने यहां ये सीखा है कि जो इलेक्ट्रो है उसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज किस कंडीशन में रखा हुआ है, वो है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ चार्ज है, रेस्ट पोजीशन में है। तो फिजिक्स की इस ब्रांच में, जो हमारा टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है, इस ब्रांच में हम सिंपल ये स्टडी करते हैं, सिंपली के चार्ज इज एट रेस्ट पोजिशन पर रहता है। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें करना है कि जैसे मेटेलिक बॉडीज होती है, जैसे कार होती है और ट्रक्स होते हैं, दे आल्सो गेट चार्ज्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जैसे गाड़ी जो है, कार जो है वो, और ट्रक जब चलते हैं तो क्या होता है, एयर मूव्स करती है, बहुत ज्यादा एयर उसको क्रश करती है, तो क्रश करने से क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा गैदर हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर चार्ज बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। तो जो चार्ज इकट्ठा होगा, जैसे मान लीजिए ये कार है या कोई भी चीज है और वो मूविंग स्टेज में है, तो इसके ऊपर जो चार्ज इकट्ठा होगा, अगर ये चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए, तो इन दैट केस उसमें क्या हो जाएगा, द चार्ज बींग लार्ज कैन प्रोड्यूस द इवन स्पार्क, उसके अंदर प्रोड्यूस करेगा, और जो स्पार्क प्रोड्यूस करेगा तो वो उसको बर्न भी कर सकता है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि इससे जो ये क्या हो रहा है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी यहां पर पैदा हो रही है, फ्रिक्शन के कारण पैदा हो रही है। ठीक है, तो ये टॉपिक तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या जाना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिंपली ये जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसमें चार्ज जो है वो रहता किस पोजिशन में है, वो रेस्ट पोजिशन में रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कमेंट में लिखेगा, उसको आई डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या,
ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है तो इससे क्या कहते हैं कि इट इज बिलीव्ड दैट, क्या माना जाता है कि चार्ज जो है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है या फिर हमारा प्रोटॉन है दे हैव कैपेसिटी टू एक्वायर चार्ज, दे हैव कैपेसिटी टू एक्वायर द चार्ज, यानी कि ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम बोलते हैं प्रोटॉन और ये है हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो हो गया एक प्रोटॉन हो गया, इनके जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, इट इज बिलीव्ड दैट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैव कैपेसिटी टू एक्वायर चार्ज, यानी कि एक्वायर चार्ज इनके पास चार्ज जो है एक्वायर करने की प्रॉपर्टी होती है। व्हाई द मासलेस पार्टिकल जो होते हैं दे डोंट नॉट एक्वायर एनी चार्ज, मासलेस पार्टिकल तो वो नहीं कर पाते। तो जैसे हमारे पास क्या है दो तरह के चार्ज, टू काइंड्स ऑफ द चार्जेस हमारे पास है, एक हमारे पास प्रोटॉन है एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें कि आप इसको डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक न्यूक्लियस है तो ये हमारे पास न्यूक्लियस हुआ। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एंड उसके चारों तरफ यहां पे कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है। अब इन ऑर्बिट्स में क्या है, जैसे यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहां पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री स्टेट में रहते हैं, फ्री स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स रहते हैं। अब फ्री स्टेट्स का मतलब क्या हो गया, ये फ्री मतलब इनको जरा सा कहीं से भी थोड़ी बहुत एनर्जी इनको मिल जाए तो इमीडिएटली दे कैन लीव इट, ये इस ब्रांच को इस ऑर्बिट को ये छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। ये कब होगा, अगर हम कहीं से भी इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराएं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे कोई बस के गेट पर खड़ा है, पीछे से किसी ने उसको पुश किया तो वो जो है वो आगे गिर जाएगा। तो यहां पर क्या है, अगर हम कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी इसको प्रोवाइड कराते हैं तो इट विल लीव दिस, ये यहां से छोड़ के भाग जाएगा। अब ये कहीं चला जाएगा, किसके पास जाएगा, अगर दो चीजों को रब कर रहे हैं, अभी इसको हम और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, अभी तो सिंपली इतना जानेंगे कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यहां पर है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होते हैं, क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा कि जो हमारा एटम होगा वो एटम हमारे पास क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, यानी कि न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब हो गया कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे एटम जो है वो जो उसका स्टेट है वो हमारा न्यूट्रल है, ठीक। अब हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि तुमने सुना होगा कि कोई चीज इलेक्ट्रीफाइड हो गई है, तो इलेक्ट्रीफाइड जो होने का उसका मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग ये हुआ डियर, अगर हम इसको डिटेल में देखें कि मान लीजिए हमारे पास ये यहां पर एक, ये हमने एक थ्रेड लिया और उसके साथ हमने एक यहां पर ग्लास रोड ली और ये ग्लास रोड जो है इसको हमने सिल्क के कपड़े से रब किया, रब करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक अनदर जो हमारे पास रोड है उसको हम इसके पास लेके आए, हम इसके पास इसको लेके आए, ठीक है। अब ये भी हमारे पास ग्लास रोड है और ये भी हमारे पास ग्लास रोड है, इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है और इस पर भी चार्ज पॉजिटिव है, तो दे विल रैपल टू वन अनदर, ये एक दूसरे को पीछे की तरफ धक्का देंगे और इस कंडीशन में हम यह कहेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रीफाइड हुआ हुआ है, ठीक। इसी तरह से हम यदि ऐसा करें कि हमारे पास ये एक और रोड है जिसे हम बोलेंगे एबोनाइट रोड, तो एबोनाइट का जो रोड हमारे पास है, एबोनाइट रोड में मान लीजिए यहां नेगेटिव नेगेटिव है चार्जेस इसके पास और इसको हमने फर के साथ में रब किया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ है और एक दूसरी रोड को फिर हम लेके आए यहां पर, तो यहां पर ये कंडीशन जो है यहां पर ये मान के चीजिए कि ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। अब नेगेटिव नेगेटिव ये क्या करेंगे, ये भी रैपल करेंगे टू वन अनदर, ये भी एक दूसरे को पीछे की तरफ धक्का देंगे, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज विल रैपल, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रैपल, नेगेटिव नेगेटिव विल रैपल टू वन अनदर, बट इफ यू हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये हमारे पास अगर हम इसको थर्ड स्टेज में समझे तो ये हुआ हमारे पास
कि ये हमारे पास एक ग्लास रोड और इसके ऊपर है चार्ज पॉजिटिव और एक हमारे पास है यहां पर एबोनाइट रोड। तो एबोनाइट रोड के पास है चार्ज नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज तो दे विल अट्रैक्ट टू वन अनदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, यानी कि इसका फोर्स इधर से इधर की तरफ होगा, इस साइड से इधर और इसका इधर, तो दे विल अट्रैक्ट टू वन अनदर और यहां पर क्या हो रहा है कि रेफर टू वन अनदर। तो ये टॉपिक में हम इसको ऐसे समझेंगे। अब देखिए होता क्या है कि आई इज इक्वल टू जो है हमारे पास वह है क्यू अपॉन टी। तो सिंपली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग, कुछ है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एसोसिएटेड विद द मैटर। आपको बच्चों सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो चार्ज है वो ट्रांसफर्ड होता है, यानी कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है। सपोज हमारे पास यहां पर ये है, अगर हम इसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पास अगर दो बॉडीज हैं, अगर हम इसको यहां देखें कि हमारे पास एक बॉडी तो ये है और एक बॉडी ये है, तो अब हमारे पास ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये भी हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। हम यहां मान के चलते हैं एक दो तीन चार पांच, और यहां पर ले लीजिए एक दो तीन, और यहां पर हमारे पास हो गया, इसको हमने ले लिए तीन, या फिर चार पांच छ या सात ऐसे ले लीजिए। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे करें कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और अंदर जो बॉडी में है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है ये दोनों आपके न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए होते हैं, यानी कि इनको एक न्यूक्लियर फोर्स होता है जो इनको आपस में बांध कर रखता है, यानी कि अब ये कहीं निकलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रो जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है उसने इसको बांध रखा है। लेकिन अब न्यूक्लियस फोर्स जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंपैरेटिवली जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है उससे वीकर होता है, यानी कि उससे कमजोर होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये लूजली बाउंड होते हैं, इसके साथ में क्या होते हैं लूजली बाउंड होते हैं। जब ये लूजली बाउंड होंगे तो इनको जरा सी भी कहीं से एनर्जी मिलेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी या तो इधर से इधर आ जाएगा या फिर इधर से इधर आ जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या है, अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, अगर ये इधर चला गया तो इसने क्या किया है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो देने वाला ऑलवेज क्या होता है डोनर, और डोनर क्यों, डोनर का मतलब क्या, उसने कुछ दे दिया, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा था या आपने ले लिया, तो हुआ तो देने वाला ही है, तो देने वाला होगा, तो देने वाला क्या होगा आपका डोनर होगा एंड इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, बिकॉज इसने किससे लिया है, तो लेने वाला क्या होता है एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर हुआ तो इसके पास क्या आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका डोनर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। अब हम ये समझेंगे ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रीफाइड हो गया, क्योंकि इसने कुछ दिया डोनर, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रीफाइड हो गया। अब आप सिंपल ये समझेंगे कि जब चार्ज है Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और Q इज इक्वल टू होता है Ne और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है पर यूनिट टाइम से फ्लो करते हैं तो वही चीज बन जाती है क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम कैसे समझेंगे, ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स चैनल के साथ बने रहना क्योंकि मैं लगातार अब वीडियो डालूंगा, क्योंकि बीच में कुछ समय से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब मैं रेगुलर इस पर रहूंगा और आप लोगों को अच्छे से नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। आइए डिस्कस करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है टू अंडरस्टैंड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में डियर स्टूडेंट होता क्या है, तो देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने का सबसे सिंपल प्रोसेस क्या है, आप सबसे पहले ये देखिए यहां पर हमारे पास एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसको हम कहते हैं कि इंसुलेटिंग स्टैंड हमारे पास यहां पे रखा हुआ है, और उसके पास उसके ऊपर हमने एक अनचार्ज्ड क्या कर दिया है, अनचार्ज स्फीयर हमने उसको ले लिया, ये एक मेटेलिक स्फीयर है जो कि अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है। ओके स्टूडेंट्स,
अनचार्ज्ड मेटलिक स्फीयर। अब एक ग्लास रोड जो है पॉजिटिवली ग्लास रोड यानी कि हम इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रोड को इसके पास लेके आते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, से ये हमारा ए, ये हमारा फर्स्ट केस है। इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं कि हमने एक मेटलिक जो आपका स्फीयर है उस अनचार्ज्ड स्फीयर को वी हैव प्लेस्ड ओवर द इंसुलेटिंग स्टैंड, हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर उसको रख दिया है। अब क्या कर रहे हैं कि इसी ये स्टैंड को हम दोबारा बना रहे हैं, पोजीशन तो वही है हमारे पास, तो इसको स्टेजेस में समझ लोगे। तो देखिए अब हमारे पास यही स्टैंड है, यही हमारे पास मेटलिक बॉडी है। अब मेटलिक बॉडी के पास हम यहाँ पर एक क्या लेके आ रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर एक ग्लास रोड जो कि चार्ज ग्लास रोड है उसको लेके आ रहे हैं। अब आपको जो मेन समझना है स्टूडेंट्स वो ये समझना है कि देखिए जिस ग्लास रोड को मैं इसके पास लेके आ रहा हूं, अब ये तो अनचार्ज है यानी कि ये न्यूट्रल है, अब ये चार्ज नहीं है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में है। तो यानी कि हम इसको ये कहेंगे कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे पॉजिटिव फोर, वन टू थ्री फोर पॉजिटिव प्रोटॉन्स हम इसके पास लेके हैं, तो इमिडिएटली ये इंड्यूस कर देगा और इसके अंदर अगर इस तरह से होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो इमिडिएटली क्या होगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हम लेके आए हैं। अब इसमें ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दे विल अट्रैक्ट टू वन अनदर, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो आप कंडीशन को इस तरह समझें कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो है नेगेटिव तो इधर आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर, अब जो चार बचे आपके पॉजिटिव वो यहां रिपल हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यदि हम किसी मेटलिक जो बॉडी है जो कि आपके ये आपका इसमें मेटलिक जो हमारे पास स्फीयर है ये हमारे पास, अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर है, ठीक है, इसको हमने रखा है मेटलिक स्टैंड पर। अब एक ग्लास रोड जो कि चार्ज ग्लास रोड है उसको ये चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव चार हमारे पास प्रोटॉन से, अब इसके अंदर ये क्योंकि जो न्यूट्रल बॉडी है न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं बराबर बराबर, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जितने यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल दे विल मूव टुवर्ड्स द दिस एंड, और जो इसका फार्देस्ट एंड है उसके पास दूसरी साइड में चले जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब क्या करेंगे हम, अब ऐसा करते हैं कि इसको ये हमारा जो मेटलिक स्फीयर है, अब हमने क्या किया कि अभी तक तो ये जो हमारी ग्लास रोड है पॉजिटिव 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 इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्जेस हैं चारों अगर मैं इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देता हूं तो ये जो चार्ज है इट विल गोज टू द इट विल गो टू द ग्राउंड यानी कि इट पासेस थ्रू द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड में चला जाएगा और यहां से ये हट जाएगा, ठीक है डियर। अब क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज तो इसका चला गया एंड नाउ अभी तक तो ये इस कंडीशन में थी, अगर हम इसको रिमूव कर लेते हैं यानी कि जो ग्लास रोड हमने इसकी तरफ लेके आए थे अगर हम इसको रिमूव कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि पॉजिटिव तो ग्राउंड में चला गया, अब ये जो हमारे पास स्फीयर था जो मेटलिक स्फीयर था ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, अब ये हमारे पास क्या हुआ नेगेटिवली चार्ज क्योंकि हमने ये जो रोड थी इस रोड को वापस खींच लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हम इसको वापस खींच लेंगे एक ऐसे फिगर बनाएंगे और इसका जो एरो हेड है इसको हम दूर कर देंगे यानी कि व्हेन वी रिमूव इट फ्रॉम दिस मेटलिक स्फीयर, जब हम इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अब ये कहेंगे ये हमारे पास चार्ज हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने के लिए क्या सीखा आपने, सिर्फ इतनी बात सीखी कि यदि हमारे पास एक मेटलिक स्फीयर है जो कि चार्ज नहीं है वो आपका न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल जब यदि है तो न्यूट्रल में क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर होते हैं। हम एक चार्ज ग्लास रोड को व्हेन वी ब्रॉट ए ग्लास चार्ज रोड टुवर्ड्स द फर्स्ट एंड यानी कि इसको एक एंड मान लीजिए दूसरा इसका दूसरा एंड ये है, तो जब उसके पास लेके कहीं किसी पोजिशन पे लेके आए इसको यहां रखें तो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव, ओके, और जो आपके पास पॉजिटिव होंगे They will rappel to the other side. इधर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट केस में हमने क्या किया? If we connect this
मेटेलिक स्फीयर टू द ग्राउंड, तो पॉजिटिव चार्ज जो इसके इस एंड पे था दैट विल गोज टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में चला जाएगा। और आपके पास अगर इसको हम हटा लेते हैं, इसको हम रिमूव कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो मेटेलिक स्फीयर है इसको एक पर्टिकुलर चार्ज दिया जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो। इस तरह से हम इसको बोलेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमें क्या सीखा कि वी नो दैट चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि वी नो दैट ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय पुटिंग इट क्या, ये बाय पुटिंग इट इन कॉन्टेक्ट विद द अनदर चार्ज बॉडी, चाहे तो डायरेक्टली मेथड से हो बाय मींस ऑफ ए कंडक्टर मेथड से हो। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी करनी है तो हमें क्या करना होगा, तो यहां नेगेटिवली ग्लास रोड लेके आएंगे, ठीक है, हम उसको यहां पर ग्लास रोड को या किसी और चीज को लेके आएंगे, जैसे एबोनाइट रोड को हम यहां पर लेके आएंगे। तो जब हम एबोनाइट रोड लेके आएंगे तो यहां नेगेटिव होगा, तो एबोनाइट रोड में क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब यहां इधर पॉजिटिव आ जाएंगे और इधर चले जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव, तो वो चार्ज नेगेटिव ग्राउंड में चला जाएगा और यहां बच जाएगा सिंपली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसलिए ये है प्रोसेस चार्जिंग बाय इंडक्शन। जो भी इसका पार्ट से जो अदर चैप्टर्स के हिस्से हैं, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कॉमेंट।